आप सब लोगों ने तो देख लिया होगा, एक चूजा बिग बॉस में गया होगा। पहली बात तो बिग बॉस एक फैमिली शो है, राइट। वहां पे कोई मतलब हर एक दूसरे अब बंदे की रिस्पेक्ट करता है अपने अपने लेवल के हिसाब से, और वहां पे एक ऐसी पर्सनालिटी आती है जो जिनकी पर्सनालिटी कुछ ना कुछ अलग रहती है, और देखना चाहते हैं सब लोग कि हाँ यार इनसे हम लोग कुछ सीख सके, इनसे हम कोई ना कोई ऐसी ऐसा पॉइंट ले सके हम लोग भी। ओके, कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई बुरे, ये वो। और ये बंदे जैसे चूजे को उन्होंने इनवाइट किया सीरियसली बिग बॉस में, कि जिसने अभी तक ऐसा कोई भी एक भी अच्छा काम ना किया। और पहली बात तो वहां से पब्लिक में सोशल मीडिया में उसका नाम कहां से हुआ कि यहाँ भी हर एक बच्चे को मार मार के वो ऊपर आया, गाली दे के जलील कर करके ऊपर आया। तो अभी अब ये दिखाना चाहता है कि फैमिली में पहले तो सिर्फ यंगस्टर मतलब लड़कों को ही पता था ये है क्या चीज है, और अभी घर वालों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, इनको भी बताना चाहते हो आपकी हाँ भाई ये बंदा कैसा है और इसको फॉलो करो सीरियसली। अगर बंदा अगर ऐसे ही अगर बिग बॉस में आना है तो मतलब आज की डेट में जितने भी है यंगस्टर मतलब वही ट्राई करेंगे, सोशल मीडिया में कुछ भी करो बिग बॉस में तो पहुंच ही जाएंगे। तो पहली बात तो बिग बॉस एक फैमिली शो है, उसमें इसको बुलाना ही नहीं चाहिए था, इसकी इतनी औकात नहीं थी कि इसको वो शो में बुलाना चाहिए जहां एक फैमिली वाले सब लोग देखते हैं। अभी तक तो ये शांति, अभी फिलहाल इसका निकलेगा अंदर से जो हैवानीपन है ना वो निकलेगा जरूर जल्दी, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसको बिग शो बिग बॉस में जाना चाहिए था और या उन्होंने इसको इनवाइट करना चाहिए था। बस अभी मैं वेट वो पॉइंट का कर रहा हूँ, वो सीन का करूंगा जब इसने कोई ऐसी हरकत की और सलमान खान जब इसके ऊपर पूरा चढ़ के बोलेंगे तब देखता हूँ कि ये बोलता है ना कि मेरे ऊपर जो कोई ऐसा बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, मेरी मर्जी, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अब देखेंगे अगर बाई चांस सलमान खान के साथ इसका हो गया तो फिर देखेंगे इसकी बोलती बंद होती है कि नहीं होती, फिर देख लेना। जब इसको सब पता चलता है ना सामने वाला तगड़ा है तो ये उंगली होठों पे लेके चुप करके बैठ जाता है। और यही बात पहले भी हुआ था, जैसे राजवीर से पंगा हुआ था इसका तो तब तो नहीं है उछला, तब तो वो लोग इसके गांव में घर तक पहुंच गए थे, तब ये शांत रहा था, इसको पता था कि यहां अगर ये कुछ भी बोलेगा तो इसको पढ़ने वाली है, जहां इसको पता है पढ़ने वाली है वहां पे ये नहीं बोलेगा, जहां पे बच्चे दिखेंगे उनके आगे ही ये बोलना स्टार्ट किया था इसने। बट बिग बॉस में इसकी एंट्री मुझे नहीं लगता कि वर्थ है कि फिर भी, बट नहीं, ये बंदा उस शो के लिए लायक ही नहीं है जिसको इतना औहदा और इतना दर्जा दे रहे हो आप लोग। मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि इसको बिग बॉस में जाना चाहिए था कि नहीं? ऑनेस्टली आंसर देना कि हाँ कि ना।